दिवाली के हफ्ते में अयोध्या के रिकॉर्ड दीपोत्सव ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अयोध्या की दिवाली के जरिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि बीजेपी 31 साल पुराना इतिहास याद दिलाकर ही यूपी में इतिहास रचना चाहती है। उत्तर प्रदेश में यह पहला चुनाव होगा जब राम मंदिर का निर्माण अब शुरू हो चुका है, और तभी अखिलेश यादव जिन्ना का नाम लेकर राजनीतिक तीरों के निशाने पर आए। अब योगी आदित्यनाथ 31 बरस पहले राम भक्तों पर गोली चलाने के भावनात्मक मुद्दे की याद भी अयोध्या से दिला चुके हैं। तो सबसे पहले यही देखते हैं, क्या यूपी में हुई है वही जो राम राजनीति राखा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की लड़ाई में राजनीति का ध्रुव बनी अयोध्या गवाह बन रही है। चुनाव राम भरोसे या काम भरोसे, राम भरोसे या काम भरोसे, इस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक लंबी कहानी है यहाँ पर, जहाँ हम बैठे हैं आज इस अयोध्या में। अब हर कोई लपक रहा है, अब सभी को लग रहा है कि यहीं से राम नाम की राजनीति है, जीत सके तो जीत। हमने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ा। इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कुमार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। योगी जी, एक काम करो, मंदिर का अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। आप भी तो राम के शरण में ही है। अयोध्या, जिसका अर्थ माना गया जिससे न युद्ध लड़ा जा सके, न ही जिसे जीता जा सके। दिवाली पर वही जगमगाती अयोध्या और अयोध्या के श्री राम अभी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक युद्ध के केंद्र में हैं। गुलामी का ढांचा हटाने के बाद भी आए हैं, और राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या आए हैं। क्या सत्ता हासिल करने की आकांक्षा की धुरी अयोध्या और अयोध्या के राम ही रहेंगे? इस बात को समझने के लिए कहानी 31 साल पहले से शुरू होती है, जब 1990 में अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय हुई थी 30 अक्टूबर। तभी लाल कृष्ण आडवाणी सितंबर में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू करते हैं। अयोध्या में 1990 के उस दौर में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। कार सेवकों पर हुए तब के गोलीकांड को यूपी के मुख्यमंत्री चुनावी माहौल में 31 साल बाद भी याद कराते हैं। इसी अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को, 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में गोलीकांड हुआ था। हम तब भी अयोध्या की घटना के साक्षी थे, हम तब भी अयोध्या आते थे। राम जन्मभूमि के आंदोलन की हर एक घटना में अयोध्या आए हैं, गुलामी का ढांचा हटाने के बाद भी आए हैं, और राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या आए हैं। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसीलिए क्या 31 बरस पहले राम भक्तों पर गोली चलाने के भावनात्मक मुद्दे का इतिहास दिलाकर ही योगी आदित्यनाथ इतिहास राजनीति में अब रचना चाहते हैं। राम भक्तों पर, राम कुमार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, बरबर लाठी चार्ज हो रहा था, तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था, तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया, और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। अगली कार सेवा,
तो क्या राम मंदिर के बाद मथुरा और काशी की तरफ इशारा है उत्तर प्रदेश में, और निशाना बिना नाम लिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के परिवार पर? हमने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ा है। राम हमारे लिए राजनीति के प्रश्न नहीं है, राम भारत की आस्था है और राम के बगैर भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। याद से नहीं, त्रेता युग से हर व्यक्ति इस बात को जानता है, जो राम की शरण में गया उसका उद्धार हुआ है, वो दुनिया के लिए हीरो बना है, और जिसने राम का विरोध किया उसकी दुर्गति भी हुई है और जनता जनार्दन ने उसको जीरो भी बना दिया है। राम अयोध्या और राजनीति का रिश्ता उत्तर प्रदेश में कितना गहरा है, इसे समझने के लिए लोकनीति सीएसडीएस के एक सीरीज के सर्वे को हमने पढ़ा, जो बताता है कि अयोध्या में 1992 की घटना के ठीक 4 साल बाद सर्वे में 56% हिंदू नागरिक उसी जगह पर मंदिर चाहते थे, जबकि अयोध्या में 98% मुस्लिम उसी तत्कालीन विवादित जगह पर मस्जिद बने ऐसी राय रखते थे। 16 साल बाद 2012 में सर्वे हुआ तो भारी गिरावट के साथ 31% हिंदू नागरिक और 31% ही मुस्लिम नागरिक भी अपनी अपनी राय में उसी जगह पर मंदिर या मस्जिद की ही वकालत करते मिले। 2012 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव आते गए। इसी के साथ ये भी सर्वे में नजर आया कि जहाँ 49% हिंदू नागरिक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने ऐसी बात कहने लगे, उनके मुकाबले सिर्फ 26% मुस्लिम ही मस्जिद की बात अयोध्या में कहते पाए गए। ये सर्वे बताता है कि अयोध्या और राम मंदिर को लेकर बहुसंख्यक आबादी के बीच प्रतिबद्धता बढ़ती गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया। अब अयोध्या और राम का जिक्र चुनाव में आता है तो एक तीर से कई निशाने लगते हैं। बड़ी आबादी बहुसंख्यक हिंदू है, बहुसंख्यक वोट ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, विपक्ष की अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति की याद दिला दी जाती है, विपक्ष की अल्पसंख्यक छोड़ मंदिर दर्शन राजनीति को बीजेपी अपनी जीत बताती है। सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, और ये हमारी वैचारिक विजय है कि जो लोग कल तक राम को काल्पनिक कहते थे, आज उन्होंने हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जुड़ते हुए उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि राम तो हमारे भी है। तो हमने कहा, कब हमने कहा कि तुम्हारे नहीं है? हम तो पहले से इस बात को कहते थे, तुम और तुम्हारे पूर्वज गलत थे, माफी मांगो देश से। बीजेपी 2014 के बाद बदली राजनीति के दौर में किसी भी तरह से बहुसंख्यक वोट पर विपक्ष की सेंध को रोकना चाहती है, जहां हर दल खुद को पूजा पाठ से जोड़ने लगे हैं। लेकिन सिर्फ इतनी भी बात नहीं, पिछले 4.5 वर्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 बार अयोध्या आ चुके हैं। 3,116 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अयोध्या में काम शुरू हो चुका है। 8,000 करोड़ की योजनाओं का विजन डॉक्यूमेंट तैयार है। 2017 से अब तक 5 बार दिवाली पर विश्वव्यापी पहचान दिलाता दीपोत्सव अयोध्या में हुआ है। आप भी तो राम के शरण में ही है, गद्दी मजबूत तो हो जाती है सर। गद्दी मजबूत करने के लिए नहीं, राम आस्था है भारत के, जन जन की आस्था है, और जन जन की आस्था का ही परिणाम है कि आज मुझे फिर से यहाँ आना पड़ा। अब जनता की आस्था राम के आश्रय राजनीति में क्या परिणाम देती है, सवाल ये होगा। 90 के दौर में राम सहारे ही बीजेपी 2 से 81 सीट तक दिल्ली के लिए पहुंची, फिर उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक की सत्ता भी मिली। आगे देखेंगे, सिर्फ राम भरोसे ही यूपी में चुनाव होगा या आगे काम भरोसे भी वोट मांगने का मुद्दा उठेगा।